Welcome students in online classes of chemistry. Today is chemistry term. Class, we are revising acid bases and salts at present. As we know that acids on dissolution with water produces hydrogen ion, H plus ion, and bases on dissolution they produce OH ion. क्लियर, ये बात सभी बच्चे जानते हैं। अब एक नया टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। सॉरी, पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में डे बाय डे क्या इम्पोर्टेंस है, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस दैट टॉपिक, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होगा या कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि वो कितना H प्लस आयन या कितना OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा डिसोल्यूशन पे। ठीक है जी, आपकी बुक में लिखा हुआ है, एज रिटन इन योर बुक, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH आयन दे प्रोड्यूस्ड। ठीक, रेस्पेक्टिवली इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसेंट्रेशन, से वन मोलर दोनों का लेते हैं, ठीक है जी, एसिटिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, से वन मोलर, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। ठीक है, दोनों अलग अलग अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, इसी वजह से एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और एक वीक एसिड होगा। क्लियर है, एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर हाइड्रोजन आयन्स आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एंड एसिड्स दैट गिव राइज लेस हाइड्रोजन आयन दे आर सेड टू बी वीक एसिड। कैन यू नाउ से वॉट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर, और इसी के बेस पर हम बेसिस को भी डिवाइड कर सकते हैं, जो बेसिस दोज बेसिस विच यूज टू प्रोड्यूस मोर OH आयन आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, एंड दोज बेसिस विच प्रोड्यूस वेरी लेस अमाउंट ऑफ OH आयन दे आर वेरी वीक बेसिस। ठीक है जी, नाउ कम टू इम्पोर्टेंस ऑफ पी एच इन आवर डे टू डे लाइफ। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट पी एच ऑफ नॉर्मल वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली 7, सो पी एच अप्रॉक्स 7 to 7.5 इज द न्यूट्रल, दिस कम्स इन न्यूट्रल बुक, एज रिटन इन बुक, ऑल आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पी एच सेंसिटिव, इसमें अलग अलग हेडिंग डाल के आपकी बुक में लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है पी एच के इम्पोर्टेंस के बारे में कि पी एच इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो जो होता है जितने प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो पी एच सेंसिटिव होते हैं, ये लिखा हुआ है। जैसे एक एनिमल हम ही लोग हैं, ह्यूमन बींग्स, सॉल्टी वाटर को हम नहीं पीते, ठीक है जी, सॉल्टी वाटर नहीं पीते, वाटर में कोई भी आयन बढ़ जाए, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाए या हाइड्रोनियम आयन बढ़ जाए, OH आयन बढ़ जाए, तो उसका कुछ ना कुछ टेस्ट होने लगता है, जिसकी वजह से हम उसको नहीं पीते, उसका पीएच बढ़े या घट जाता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर जाता है, होना चाहिए 7। और वाटर के बारे में तो कहा गया है कि ये टेस्टलेस, ओडर लेस, कलर लेस, ठीक है, तो जब ये टेस्टलेस नहीं रहेगा तो फिर हम इसको नहीं पीते। तो वी आर सेंसिटिव टू पीएच, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, इसी पे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक्यूरेट चलता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच, when pH of rain water is less than 5.6 it is called acid rain। ठीक है जी, 5.6 जब हो जाता है रेन का pH तो उसी को हम एसिड रेन कहते हैं, और वो कितना हार्मफुल होती है ये आपने देखा,
प्लांट्स में वो कैंसर स्प्रेड करती हैं, ठीक है, इट कॉजेज कैंसर। और मोनूमेंट्स में, जैसे ताजमहल मोनूमेंट्स में वाइट मार्बल को वो चेंज कर दे रही है येलो मार्बल में, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। उसके बाद व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स, इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। समझ में आ रहा है, बहुत क्लियर लिखा हुआ है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम डिफिकल्ट, क्यों? पीएच डिक्रीज हो गया उस रिवर वाटर का। पीएच डिक्रीज कैसे हो गया? पीएच डिक्रीज ऐसे हो गया कि पीएच कम हुआ था कहाँ पे, और वहाँ से ये रिवर वाटर में मिक्स हुआ, आकर एसिड रेन हुई थी, तो एसिड रेन का वाटर रिवर में पहुँचा था, जिससे उसका पीएच कम हो गया। अब आगे लिखा हुआ है, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉयल इन योर बैकयार्ड। सॉयल का भी पीएच होता है, ठीक है, वो पहला इम्पोर्टेंस है। सेकेंड इम्पोर्टेंस सॉयल का भी, और एक डेफिनेट पीएच के सॉयल में प्लांट्स मैक्सिमम ग्रोथ शो करते हैं। प्लांट्स आर शोविंग देयर मैक्सिमम ऑप्टिमम ग्रोथ इन अ डेफिनेट पीएच रेंज। प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सॉयल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब्ड बिलो बाय एक्टिविटी 2.12। ऑल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोविंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉयल। ये एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी हम लोग पहले भी पढ़े हैं। इस एक्टिविटी में हमको अलग अलग जगह की सॉइल को लेके आना है और उनका पीएच हम जानेंगे, उसका सोल्यूशन बनाएंगे पीएच पेपर से या लिटमस सोल्यूशन से, उसका पीएच हम ऑब्टेन करेंगे, क्या उसका एक्चुअल पीएच है। और हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे, अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे कि जिस जगह का हम सॉइल लाए थे उस जगह पे कैसी वेजिटेशन ज़्यादा हो रही है, कैसे प्लांट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो प्लांट्स उस पीएच में ज़्यादा सूटेबली सर्वाइव करते हैं, इसका मतलब ये हो। नेक्स्ट सेटिंग आपकी बुक में है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का डाइजेशन पीएच पे डिपेंड है, ठीक है, उसी पीएच को चेंज करने के लिए हमारे पास बाइल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों होता है, ठीक है जी, बाइल हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों होता है। जब एसिडिक पीएच, जब पीएच कम करना होता है 7 से, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना काम करता है, और जब पीएच अधिक करना होता है नॉर्मल रेंज से, तब बाइल अपना काम करता है, ठीक है जी। अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग पीएच पे काम करते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अपना फंक्शन है। सो इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज रोल ऑफ पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स टू डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दैट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपुल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। जब एसिडिटी हो जाती है किसी को, तो वो बेसिस यूज करते हैं एसिडिटी से गेट रिड ऑफ होने के लिए, बेसिस यूज किए जाते हैं, उन बेसिस को कहा जाता है एंटासिड। एंटासिड का मतलब हुआ जो एसिड के अगेंस्ट काम करें, तो एसिड के अगेंस्ट कौन काम करते हैं जी, बेसिस, तो इसलिए उन बेसिस को कहा जाता है एंटासिड्स। आपको एक एग्जांपल बता दें, जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा एक प्रोडक्ट मिलता है, उसका नाम है डाइजिन, इसका टैबलेट भी और इसका लिक्विड भी, इसमें पड़ा हुआ है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें ये भी ट्वाइस होगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डिसोसिएशन पे OH आयन निकालते हैं, वो OH आयन जो HCl बहुत अधिक बन गया हमारे स्टमक में, उसके हाइड्रोजन आयन से जुड़ जाते हैं, और इस तरीके से एसिडिटी रिमूव हो जाती है। तो एंटासिड्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गेट रिड ऑफ द पेन ऑफ स्टमक
विच अराइजेज ड्यू टू ओवर सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाई अवर स्टमक इनर वॉल ऑफ स्टमक. दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ माइल्ड बेस इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पज. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके. टूथ डिके का सबसे बड़ा रीजन है पीएच चेंज. तो स्टूडेंट्स टूथ डिके वाली बात हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में. अबाउट टूथ डिके वी विल स्टडी इन नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो. योर होमवर्क इज रिवाइज द टॉप टॉपिक टूडे. रिवाइज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. रिवाइज द रोल ऑफ पीएच इन आवर डे टू डे लाइफ. दैट्स ऑल फॉर टूडे स्टूडेंट्स. स्टे होम एंड बी सेफ. थैंक यू क्लास 10. थैंक यू.